हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो आजकल हर कोई फोटोग्राफी करता है। अगर फोटोग्राफी अगर इस लेवल पर पहुंच चुका है तो फोटो एडिटिंग इस लेवल पर कि आप कहीं से भी एक फ़ोटो खींच लीजिए, मतलब आप मोबाइल से कैप्चर कर लीजिए या फिर अपने DSLR कैमरा से, आप फोटो को एडिट किए बिना किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं कर दे, क्योंकि हर किसी को एक परफेक्ट फोटो चाहिए और उस पर बहुत सारे लाइक्स भी चाहिए। तो आज हम ऐसे कुछ फोटो एडिटिंग ऐप्स के बारे में बात करेंगे जो आप यूज़ कर पाएंगे, जो यूज़फुल है, ईजी टू यूज़ है और खास करके वो फ्री है। तो कौन से apps, let's find out। What's up guys, welcome to FLIPBIP, मैं हूं आपका दोस्त चिन्मय। So, आज बात करेंगे कुछ फोटो एडिटिंग ऐप्स के बारे में जिसकी मदद से आप अपने फोटोज को बहुत अच्छी तरह से एडिट कर पाएंगे। यानी कि अगर आपके पास कुछ ऐसी फोटोज हैं तो आपको ऐसी बनानी हो या फिर ऐसे फोटो को इसमें कन्वर्ट करना हो, तो आज हम बात करेंगे कि कुछ एप्लीकेशन है उसकी मदद से आप उसको कैसे कन्वर्ट या फिर एडिट कर पाएंगे। और इन सारे एप्लीकेशन को मैंने खुद यूज़ किया है, तो मैं आपके साथ इनके कुछ स्क्रीन शॉट्स या फिर के स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं किसी भी एप्लीकेशन को नंबर के वाइज कैटेगराइज नहीं करूँगा, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन की अपनी अपनी एक खासियत है। तो ऑब्वियसली सिर्फ मैं आपको कुछ 5 एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले आता है PIXLR। ये एक मैं इसको बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, एक रेगुलर एडिटिंग के लिए आपको एक बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन रहेगा ये। जैसे कि आप इस फोटो को हम एडिट करेंगे, इस फोटो को मैंने अपने मोबाइल से ही कैप्चर किया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पे ये जो टूल्स का ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्रॉप ऑप्शन, रोटेट या फिर डबल एक्सपोजर, एडजस्टमेंट, ऑटो फिक्स का भी ऑप्शन है। ऑटो फिक्स में इस फोटो को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है और आपको वो दिखा देता है। अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो आप पीछे आकर एडजस्टमेंट में जाकर वहाँ पे ब्राइटनेस का भी ऑप्शन है जिससे आप इसका ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। साथ में अगर आप इसका सैचुरेशन बढ़ाते हैं तो ये देखिए इसका कलर सैचुरेशन भी बढ़ जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे आपको ब्राइट करने के लिए, फिर डार्क करने के लिए भी ऑप्शंस है। और यहाँ पे कुछ फिल्टर्स भी आपको दिए गए हैं, जैसे कि ये देखिए, इसमें से किसी भी एक फिल्टर का आप यूज़ कर पाएंगे या फिर ऐसे कुछ फिल्टर्स है या फिर ब्लैक एंड वाइट या फिर टू ओल्ड का भी ऑप्शन है आपके पास। ओवरले का ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे आप कुछ फोटोज़ में ऐसे इफेक्ट्स दे पाए। स्टाइल्स भी है यहाँ पे। तो ओवरऑल ये कुछ टूल्स और इफेक्ट्स होते हैं इस एप्लीकेशन में। यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स भी मिल जाएंगे जिससे एक बॉर्डर ऐड करने के बाद आपको एक अच्छा एक इफेक्ट मिल जाता है आपके फ़ोटो को। साथ में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट के ऑप्शन है, आप कुछ भी टाइप कर लीजिए, जैसे कि मैंने अपने चैनल का नाम टाइप कर लिया है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट साइजेस, फॉन्ट टाइप्स भी हैं, ये देखिए। इस तरह आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे और इसको आप सेव भी कर पाएंगे। जहाँ पे आप इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि किस साइज़ में सेव करना है, मतलब स्मॉल, मीडियम या मैक्स या फिर कस्टम, मतलब आपको जो कुछ साइज चाहिए उस साइज़ में आप उसको सेव कर पाएंगे। तो दूसरा एप्लीकेशन है स्नैपसीड। ये कुछ PIXLR जैसा ही है मगर ये गूगल का एप्लीकेशन है और ये बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे कोई भी आपको एड्स या फिर लैग नहीं देखने को मिलता, ये एक अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से इसका थोड़ा जो वेट है, मतलब जो साइज़ है, वो थोड़ा ज़्यादा है 50 MB के आसपास, मगर ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। यहाँ पे बहुत से जो फीचर्स है वो आपको PIXLR में देखने को मिल सकते हैं, मगर यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स भी है, जैसे कि यहाँ पे क्रॉप, रोटेट, ब्रश, हीलिंग के साथ साथ यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव नाम का एक ऑप्शन है जहाँ पे अपने फ़ोटो को आप इस तरह से एडिट कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको इस तरह से अगर इसको हिलाना है तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है ऐसे अगर करना है तो, या फिर ऐसे, तो आप अपने फ़ोटो को इस तरह से कर पाते हैं। या फिर ये देखिए, एक अच्छा फीचर लगा मुझे, क्योंकि अगर आप अपने फ़ोटो को किसी एंगल में घुमाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा फीचर है। साथ ही में यहाँ पे कुछ स्टाइल्स भी है, जैसे कि पॉप। इसको सिर्फ लोड करने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है PIXLR के मुकाबले, मगर यहाँ पे जो कुछ इफ़ेक्ट्स है वो भी अच्छे हैं। देखिए तो कुछ, और यहाँ तक आप एक्सपोर्ट, मतलब आप इसको सेव भी कर सकते हैं, डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं अपने किसी दोस्त के साथ। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है अगर आप रेगुलर यूज़ करना चाहते हो तो। तो ये जो एक एप्लीकेशन है वो सेल्फी एडिटिंग के लिए बनाई गई है, मतलब सेल्फी अगर आप खींचते हो तो इसको एडिट कर पाए। तो यहाँ पे को बहुत सारे ऑप्शंस है, खास करके ये एप्लीकेशंस मेरे ख्याल से लड़कियों को ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि लड़के तो ज़्यादा सेल्फी खींचते नहीं, अगर खींचते भी हो तो इनको अच्छी नहीं आती, जैसे मेरे देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको ब्यूटी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें ये देखिए ये रीशेप है कुछ, ओके। तो ये अगर आप, तो ये देखिए मेरी चीन देखिए वो छोटी हो जाती है, वाओ ओके, एक अच्छा
हैं अगर आप डबल चेन के साथ है तो। और साथ ही में यहाँ पे एक अच्छा फीचर ये है कि यहाँ पे एक DSLR मतलब एक मोड दिया गया है जिसमें अगर आप यहाँ से एक फ़ोटो खींचते हैं तो ये देखिए ओके, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाता है, मतलब पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटो अगर आपके मोबाइल में अगर मोड नहीं है तो यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए DSLR का। साथ ही में कुछ फ़िल्टर्स भी है जैसे कि बाकी एप्लीकेशंस में होते हैं, ये देखिए। तो खास सेल्फी जिनको लेना ज़्यादा पसंद है उनके लिए एक अच्छी एप्लीकेशन है, मगर मेरे ख्याल से खास करके लड़कियों के लिए ही तो ये एक एप्लीकेशन है जिसे आप यूज़ कर पाएंगे। चौथा एप्लीकेशन है फोटो लैब। यहाँ पे आपको अलग से फीचर्स मिलेंगे या फिर अलग से फिल्टर्स कहिए, क्योंकि ये फिल्टर्स आपको नॉर्मल किसी भी एप्लीकेशन में नहीं देखने को मिलते। तो ये जो एप्लीकेशन है वो फोटो लैब इसका नाम, मगर यहाँ पे इसको चलाने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू चलती है एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मतलब फीचर्स है या फिर फिल्टर्स वगैरह है। अगर देख लीजिए, अगर हम इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर इसके जैसा इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप अपने फ़ोन में से एक फ़ोटो ले सकते हैं, जैसे कि मैंने इस फ़ोटो को ले लिया और यहाँ पे आप एडिट के लिए डाल सकते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस करेगा, यहाँ पे आपको बहुत सारी एड्स देखने को मिलेंगे, मैं बोल रहा हूँ आपको। उसके बाद ये प्रोसेस करने के बाद ये ऑलमोस्ट डन हो गया और ये देखिए ये इस फ़ोटो को ऐसे इसने एडिट कर दिया। या फिर आप अपने फीचर्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे कुछ और भी यूज़फुल आपके लिए होगा। तो ऐसे कुछ ये एप्लीकेशन है जहाँ पे मतलब ये देखिए ये एक फ़ोटो है, अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी यहाँ पे आपको एड्स देखने को मिलेंगी जो स्किप भी नहीं कर सकते पहली बार। फिर से ये प्रोसेसिंग हो रहा है और ये देखिए ये एडिट कर देता है अपने आप, मतलब बैकग्राउंड को निकाल दिया और यहाँ पे ये इसने ये डाल दिया। ओके, जो एक लास्ट एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्रिज्मा, जहाँ पे आप अपने फोटोज़ को आर्टिस्टिक तरीके से एडिट कर पाएंगे और यहाँ पे आपको बाकी फीचर्स सुने मिलेंगे, मगर ये जो फीचर्स है वो बहुत अच्छे हैं। ये जो प्रिज्मा एप्लीकेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे आपको और कुछ फीचर्स नहीं मिलते ज़्यादा, मगर यहाँ पे आप अपने फोटोज़ को आर्टिस्टिक मतलब तरीके से एडिट कर पाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ लिमिटेड इफेक्ट्स दिए गए हैं, प्रो वर्जन में बहुत ज़्यादा है और ये फ्री का वर्जन है तो यहाँ पे कुछ कम है, मगर यहाँ पे कुछ अलग अलग फीचर्स है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब इस फोटो को ऐसे एडिट कर दिया, मैंने इसको पहले ऑलरेडी एडिट किया था इसलिए ये झट से हो गया। अगर मैं इसको ये देखिए यहाँ पे वो यहाँ पे भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एडिट करने के बाद यहाँ पे आपको आर्टिस्टिक लुक दे देता है। या फिर ये देखिए 2 या 3 साल पहले इस एप्लीकेशन का बहुत बड़ा क्रेज़ था, मगर ये अभी भी यूज़ होता है, कुछ लोगों को अभी भी ये पसंद है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिस्टिक फीचर्स या फिर मतलब फिल्टर्स मिल जाएंगे। इफेक्ट दिया है उसको सिर्फ एडिट कर पाएंगे, जैसे कि एक्सपोजर हो या फिर ब्राइटनेस हो, इसका थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं या फिर थोड़ा कम कर सकते हैं अगर आपके चॉइस के साथ, और आपको आप इसको सेव भी कर पाएंगे। तो बेसिकली इन एप्लीकेशंस को मैं पिछले कुछ दिनों से या फिर सालों से यूज़ करता रहा हूँ, तो मेरे लिए ट्रस्टफुल एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपने अच्छे फोटोज़ अच्छी तरह से एडिट कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो ऑब्वियसली आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बाकी वीडियोस को भी देखते हुए जाइए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।